एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लिखो क्या लिखो, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा, सबसे पहला एडवांटेजेस का होता है क्या, इट इज अ फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों फास्ट और इनएक्सपेंसिव है बेटा, क्योंकि अभी हम लोग जब क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो एक पोलन ग्रेन होगा, फिर वो फीमेल पार्ट पे जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो ग्रो करेगा, फिर फ्लावर से वो फ्रूट बनेगा, फिर फ्रूट को चिड़िया खाएगी कभी, पता नहीं कब, फिर वो चिड़िया खा के बीज गिरा देगी कहीं तो भी, फिर वो बीज से नया पौधा बनेगा। तो यह लंबा प्रोसेस है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या करना है, रूट काट के गाड़नी है, नया पौधा आ जाएगा, स्टेम काट के गाड़ना है, नया पौधा आ जाएगा, लीफ काट के गिर जाएगी तो भी क्या आ जाएगा, नया पौधा आ जाएगा। तो इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं लग रहा है, तो ये कंपैरेटिवली क्या होता है, फास्ट होता है और इनएक्सपेंसिव भी होता है। सेकंड, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लांट्स विथ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, विथ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को क्या करना था, हम लोग को एक अलग टाइप का रोज बनाना था नैवेद्य को, है ना, रेड और येलो का कुछ तो कॉम्बिनेशन। तो वो किसकी मदद से बना, आर्टिफिशियल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से बना। नॉर्मली अगर ये रेड रोज का बीज डालेगा तो रेड रोज ही आएगा, कोई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट नहीं आ पाएगा। थर्ड, It is used to grow plants. It is used to grow plants that have lost their ability to produce seeds. ठीक है, तो ये ऐसे पौधे बनाने के काम आता है जिन्होंने क्या करा है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स छोड़ दिया। बनाना, बनाना में बीज आते ही नहीं आजकल, ठीक है ना, गन्ने, गन्ने में बीज आते ही नहीं शुगर केन में। तो ऐसे पौधे जिनके पास क्या है, अब सीड्स प्रोड्यूस होते ही नहीं है, उनको प्रोड्यूस करने में कौन काम आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन काम आता है। बोलो, देखो कोई परेशानी। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है क्या, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा, अब टिश्यू कल्चर के केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर के केस में हम लोग क्या लेते हैं, शूट टिप ऑफ प्लांट से क्या करते हैं कुछ सेल्स लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रूट टिप और शूट टिप से ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अब क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है, तो यहाँ के सेल्स क्या करते हैं, डिवाइडिंग रहते हैं, या फिर ऐसे बोले रिप्रोड्यूसिंग नेचर के रहते हैं। कैसे रहते हैं, रिप्रोड्यूसिंग नेचर के रहते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट टिप होती है, यहाँ ये क्या होती है, शूट टिप होती है, ये सेल्स में मिलती है और ये रिप्रोड्यूसिंग नेचर की होती है। यहाँ के सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही हम इन सेल्स को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, तो सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग वेरी फास्ट, और ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, ये क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। फिर ये जो हमारा कैलस होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, another nutrient and hormonal medium में डालते हैं, ठीक है। जहां ये कैलस ग्रो करके क्या बना लेता है, प्लांटलेट्स। क्या बना लेता है,
मतलब बहुत छोटे 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 प्लांट्स, और ये जो प्लांटलेट्स होते हैं इसको हम लोग कहाँ प्लांट कर देते हैं, सॉइल में। अगेन ये अपने आप में क्या है, एक फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बहुत फास्ट। दूसरा, बहुत बार जब आप सीड से उगा रहे हो या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगा रहे हो तो देर इज अ चांस कि 100 में से 15-20 पौधे क्या हो जाएं, खराब हो जाएं। लेकिन आप क्योंकि डाली सॉइल में क्या रहे हो, डायरेक्ट प्लांटलेट्स डाल रहे हो, तो ये तो खराब होगी ही नहीं, और क्योंकि ये खराब नहीं होगी तो जो मेरे पास सेल आए, जो प्लांट आएगा, हमें पता रहेगा कि हमारे पास कुछ अनहेल्दी प्लांटलेट्स है, तो हम उसको प्लांट ही नहीं करेंगे, पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं बेटा, तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन किया था, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें तो क्या कहानी लिखनी की, उससे वेरिएशन आती है और वेरिएशन से सर्वाइवल चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल जो रहेगा या एक कोई भी सेल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से, एक मेल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक फीमेल पेरेंट, तो मेल पेरेंट की बॉडी के जो सेल्स होंगे वो क्या अंडरगो करेंगे, मियोसिस। क्या अंडरगो करेंगे, फीमेल बॉडी के भी जो सेल्स रहेंगे वो क्या अंडरगो करेंगे, मियोसिस। आ रही बात समझ में? अब जब ये मियोसिस अंडरगो करेंगे, जब ये मियोसिस अंडरगो करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, मेल गैमीट, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, या तो स्पर्म्स बनाएंगे, प्लांट में हुआ तो पोलन ग्रेन के थ्रू काम होगा, प्लांट हुआ तो क्या होगा, पोलन ग्रेन, हर एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट होते हैं। और अगर एनिमल की बात करें तो यहां पर क्या बनेंगे, स्पर्म्स। फीमेल की बात करें, प्लांट हो या एनिमल, ओवा प्लूरल, ओवा सिंगुलर। अब ये जो फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं या जो मेल गैमीट्स बन रहे हैं, ये जो फीमेल गैमीट्स बनेंगे या फिर जो मेल गैमीट्स बनेंगे, ये दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड। ये दोनों क्या होंगे, मेल गैमीट भी क्या होगा, हैप्लॉइड, मतलब इसके पास सिर्फ एन क्रोमोसोम्स होंगे, और फीमेल गैमीट भी क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड, यानी कि इसके पास भी क्या होंगे, सिर्फ एन क्रोमोसोम। जब मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, जब मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, तो यहां से क्या आएगा, एन हैप्लॉइड, यहां से क्या आएगा, एन हैप्लॉइड, ठीक है ना। इस फ्यूजन को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। इस फ्यूजन को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। क्या बनेगा, और ये जो जाइगोट है ये यहां से भी एन लेगा और यहां से भी एन लेगा, तो कितना हो जाएगा, 2N। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर?